हे गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज मैं आपके लेके आई हूँ बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही डिफरेंट रेसिपी। ये है चाय की रेसिपी। अब आप सोचेंगे चाय की रेसिपी, अब चाय तो घर में दो तीन बार बन ही जाती है, लेकिन इस चाय में क्या स्पेशल है? तो चलिए देखते हैं कि किन खास टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये चाय आपकी स्पेशल बन सकती है। तो सबसे पहले गाइस, जब भी आप चाय बनाएं ना, तो यहाँ पे आप सबसे पहले पानी गर्म कर लीजिए। पानी को अच्छे से बॉईल आने देना है। अक्सर हम क्या करते हैं कि पानी में ना चाय पत्ती डाल के उबालना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है। और जब तक हमारा पानी उबल रहा है, मैंने एक छोटी सी ओखली में अदरक और इलायची को कूट लिया था। दोनों को साथ ही कूटना है ताकि अदरक और इलायची का फ्लेवर आपस में घुल मिल जाए। और उसके बाद हम डाल देंगे उस अदरक इलायची को पानी में, और पानी को दो मिनट हो गए थे उबलते हुए। उसके बाद हम उसके अंदर डाल देंगे दूध, और दूध को ना अच्छे से हम इसके अंदर बॉईल आने देंगे ताकि जो अदरक है उसका फ्लेवर इसके अंदर चला जाए, इलायची का खुशबू आ जाए। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, क्योंकि जब देखो जब भी चीनी पकती है ना, तो वो थोड़ा सा पानी छोड़ती है। तो इसलिए क्या करना है, हमें चीनी को अच्छे से पकाना है। क्योंकि नॉर्मली अक्सर हम घर में करते हैं कि सारी चीज़ें डाल दी एक साथ और पका दिए, और सबसे पहले तो हम पत्ती डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे गाइस, हम पत्ती डालेंगे सबसे लास्ट में। दूध उबलते हुए भी दो मिनट हो जाएँ तो आप इसमें डालेंगे पत्ती। पत्ती कोई सी भी नॉर्मल पत्ती जो होती है वो डाल दें, कोई ख़ास ब्रांड की लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसे खूब अच्छे से पकाइए, दो से तीन मिनट तक इसे उबालिए, और तब जाके आपको वो वाली चाय का कलर, वो वाला फ्लेवर आएगा जो आप नुक्कड़ पे जाके चाय ढूंढते हैं ना, कि नहीं घर का फ्लेवर नहीं, बाहर का जो एक चाय का अलग ही आता है टेस्ट, वो वाली चाय आपकी बन के रेडी है। तो गाइस, एक बार इस ट्रिक से आप चाय बना के देखिए, तो आपको अपनी रेगुलर चाय से बिल्कुल ही डिफरेंट फ्लेवर इसके अंदर आएगा, और इसका जो कलर है, इसका जो टेस्ट है, वो आपको ज़रूर याद रहेगा और बिल्कुल ही अलग है। और इसको बिल्कुल वैसा वाला लुक देने के लिए मैं इसे सर्व कर रही हूँ कुल्हड़ में। और ये देखिए, जब भी आप इसको डालें, थोड़ा सा ऊपर से हाइट से ज़रूर डालिएगा। उससे क्या होगा कि ये जो एक फोम, एक झाग जैसा जो ऊपर आता है ना, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हल्की हल्की सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और आप बाहर नुक्कड़ पर बैठ के चाय पी रहे हैं, या जो चाय वाली शॉप हो रही है वहाँ पर आप पी रहे हैं। और इसके साथ आप बिस्किट, स्नैक, कुछ भी आप सर्व कीजिए। और ये हमारी इंस्टेंट, बिल्कुल बेसिक, सिंपल सी, टेस्टी चाय बनके रेडी है। तो होप गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बने रहिए हर रोज़ मेरे साथ ऐसी छोटी छोटी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।